नमस्कार, मैं शिवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। रिजर्व बैंक के अध्यक्ष शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के आखिरी दिन शुक्रवार को रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 5.40 से बढ़कर 5.90% हो गया है। रेपो रेट में आरबीआई द्वारा की गई यह लगातार चौथी बार बढ़ोतरी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने सस्ते सैनिटरी नैपकिन के बारे में एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हरनोद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सस्ते सैनिटरी नैपकिन के बारे में एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हरजोत कौर द्वारा कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिए जाने के मामले में बिहार सरकार के जांच और कार्रवाई करने के लिए कहा है। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना अब जल्द ही कार्तिक आर्यन के साथ इश्क लड़ाती नजर आने वाली हैं। दोनों फिल्म आशिकी 3 में साथ काम करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और कृति सेनन को पीछे छोड़ लीड रोल के लिए बाजी मार ली है। अब पहली बार कार्तिक आर्यन और रश्मिका मंदाना साथ में काम करने वाले हैं, हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। नवादा में एक बड़ी सड़क दुर्घटना की जानकारी मिली है, इसमें करीब 40 लोग घायल हो गए हैं। शुक्रवार को यहां बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई है। यात्रियों में से भरी बस के ट्रक से टकरा जाने के कारण बस में सवार कई लोग घायल हो गए हैं। बस में अधिकतर यात्री BPSC की परीक्षा देने जा रहे थे। लगभग 40 लोग के घायल होने की सूचना है। कांग्रेस के G23 खेमे के नेताओं ने गुरुवार को बैठक की। यह बैठक वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा के निवास पर हुई। इसमें मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चौहान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई नेता शामिल हुए। सूत्रों का कहना है कि G23 खेमा भी अध्यक्ष पद के चुनाव में उम्मीदवार उतार सकता है और आज यह समूह एक और बैठक करेगा। कुख्यात नक्सली युगल साह उर्फ जमींदार साह उर्फ कैलाश जी उर्फ भूपेंद्र को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। गिरफ्तार नक्सली झिबड़ा थाना क्षेत्र के छुछिया गांव का रहने वाला है। दुनिया भर के कई देशों में मलेरिया का कहर बढ़ने के बाद DCGI ने मलेरिया वैक्सीन की 2 लाख डोज के ब्रिटेन में निर्यात को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन की 2 लाख डोज के ब्रिटेन में निर्यात को मंजूरी दे दी गई है। इस वैक्सीन को भारत में ही तैयार किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह के DCGI को लिखे गए पत्र के बाद यह कदम उठाया गया है। सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल परीक्षा 2022 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल लिखित परीक्षा का आयोजन 16 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल इस मौके पर मौजूद रहे। PM ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करने के साथ ही 7200 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का आरम्भ किया। उपेंद्र कुशवाहा ने गुरुवार को ट्वीट कर लिखा कि जगदा बाबू का बयान उस पिता के लिए एक्शन की तरह है जो किसी अनहोनी के भय से अपने बेटे या बेटी की शादी जैसे तैसे निपटा लेना चाहता है। गौरतलब है कि जगदानंद सिंह ने गुरुवार को कहा कि नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार ऐसा लग रहा है कि वे 2022 बीतने के बाद 2023 में देश की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार ने अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी की सुरक्षा को केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कथित खतरे की धारणा की समीक्षा के बाद JED+ की शीर्ष श्रेणी में अपग्रेड कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन 65 वर्षीय अंबानी को पहली बार 2013 में भुगतान के आधार पर CRPF कमांडो का JED श्रेणी का कवर दिया गया था। 67वीं BPSC प्री एग्जाम का आयोजन बिहार में आज यानी शुक्रवार को किया गया। पूर्व में पेपर लीक की घटना के बाद इस बार एग्जाम को लेकर सतर्कता बरती गई। सभी सेंटरों पर जैमर लगाए गए। वहीं प्रश्न पत्र इस बार लीक ना हो इसके लिए कई नियमों में बदलाव भी किए गए। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने समाचार एजेंसी PTI की खबर के हवाले से बताया कि भारत सरकार की एजेंसी ने देश भर में PFI सदस्यों की गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद इस पर बैन लगा दिया है। हालांकि अखबार ने द हिंदू यानी भारतीय अखबार का हवाला देकर कहा है कि SDPI के अधिकारियों ने कहा कि वे PFI से नहीं जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने PFI पर बैन का विरोध किया है। बिहार में दलित और आदिवासी समाज की सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर आज जनतांत्रिक विकास पार्टी ने पटना में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने बिहार की महागठबंधन सरकार को दलित और आदिवासी विरोधी बताते हुए कहा कि हत्या, दुष्कर्म, दलित उत्पीड़न और पटना में दलित छात्रों पर मुकदमा जैसी घटनाएं ये सोचने को मजबूर करती है कि क्या बिहार में दलितों को रहने का अधिकार नहीं है।
अगर आपके पास भी वाहन है तो आप बेहद सावधान हो जाएं। आपका 25,000 रुपए का चालान, 3 साल की जेल और आपके वाहन का पंजीकरण रद्द और नाबालिग पर किशोर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। अगर आपका वाहन कोई और चलाते हुए ट्रैफिक पुलिस नाबालिग को पकड़ लेती है तो यह कार्रवाई आपके वाहन ना चलाने पर भी आपके ऊपर ज्यादा की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को लेकर अपनी बात डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी। उन्होंने प्रदूषण पर लगाम लगाया जाने को लेकर दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या का धन्यवाद किया और सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया। बारामूला इलाके में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। दोनों अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं। एक मुठभेड़ बारामूला के पट्टन इलाके चल रही है, वहीं दूसरी मुठभेड़ शोपियां जिले के चित्रदाम इलाके में जारी है। इन दोनों जगहों पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से घेराबंदी कर आतंकियों को काबू में करने में जुटे हैं। शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पर्चा भर दिया है। नामांकन करने से पहले जब उनसे पूछा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब आलाकमान की ओर से आधिकारिक उम्मीदवार हैं और अपना मुकाबला उनसे है, शशि थरूर ने कहा कि अच्छी बात है। जब शशि थरूर से पूछा गया कि दिग्विजय सिंह ने खड़गे को सीनियर बताकर नामांकन दाखिल ना करने की बात की तो क्या आप अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे, इस पर शशि थरूर ने कहा कि अभी नामांकन भरने दीजिए, 1 बजे विस्तार से बात होगी। म्यांमार के बर्मा में आज तड़के करीब 3:52 पर 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की गहराई जमीन से 140 किलोमीटर नीचे थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शुक्रवार को कहा कि देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ साथ अन्य सुरक्षा बलों के प्रयासों के कारण राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को देश में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि वह 1 से 4 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले भारतीय मोबाइल कांग्रेस के 6th संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे, जिसका विषय न्यू डिजिटल यूनिवर्स है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,947 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 18 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 39,583 हो गई है। गुरुवार के मुकाबले आज नए संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या में 325 की कमी दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर नेहा कक्कड़ का ऑडिशन क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वो फिल्म रिफ्यूजी का गाना ऐसा लगता है एक दूसरे सिंगर के साथ गाती दिख रही हैं। वीडियो में दिख रहा है कि फराह खान, अनु मलिक और सोनू निगम इस सीजन के जज दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही नेहा अपना गाना खत्म करती है तो अनु मलिक कहते हैं, नेहा कक्कड़ तेरा गाना सुनकर मुझे लगता है अपने मुंह पर मारू थप्पड़। नए संसद भवन पर लगी प्रतिकृति में शेरों को मूल स्वरूप से अलग होने की बात कही गई थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे शुक्रवार खारिज कर दिया गया है। याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र अपनी गलती को सुधार, राष्ट्रीय प्रतीक को सही कर दे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा में कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिमट गई है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अब सिमट कर भाई बहन की पार्टी बन गई है, यह एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को देश में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। चीन से चल रही तनातनी के बीच देश के दूसरे CDS जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को अपना पदभार संभाल लिया है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि अनिल चौहान अब 4-स्टार जनरल होंगे और उनका पद सेना के तीनों अंग यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख से ऊपर होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह ने केरल प्रदेश कांग्रेस समिति और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य सभी को धन्यवाद दिया जो केरल में 18 दिन से अधिक समय तक पदयात्रा का हिस्सा बने। देशद्रोह के मामले में शर्जील इमाम को जमानत मिल गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को JNU के पूर्व छात्र शर्जील इमाम को जमानत दे दी है। CAA के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया इलाके में भड़काऊ भाषण देने के मामले में शर्जील को साकेत कोर्ट से जमानत मिली है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्तावक बनेंगे। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और करता रहूंगा। मैं खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए सोच भी नहीं सकता हूं। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रोक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि अहमदाबाद की सभा खत्म करके वापस लौटते वक्त अहमदाबाद से गांधीनगर के रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काफिला एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रोका। एम्बुलेंस के गुजर जाने के बाद ही काफिला आगे बढ़ा।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बबीता कुमारी, मनोज कुमार, माधुरी कुमारी, राजकुमार, मनोज राम, पीयूष पटेल, कलामुद्दीन अंसारी, डार्क रौनक, मुटु रंगीला, नुन्नू कुमार, राजकुमार प्रसाद और प्रिया यादव ऑफिशियल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि EMI और लोन का दर बढ़ाने से आम जनजीवन पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।